ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फाइन आर्ट पे स्वागत है। प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को अपने फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि अदर भी इनका लाभ उठा पाएँ। कल हम NTA UGC नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड से वीडियो एक डाले थे, आई होप आप लोग देखे होंगे और आप लोग को पसंद आई होगी। आज हम NTA UGC नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहला दिन हमने देखा कि शिक्षक का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टीचर्स एंड द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ये दो चीज़ के बारे में बात किए थे। आज हम आगे से स्टार्ट करेंगे, तो जिसने पहले वीडियो नहीं देखे हैं पहला पार्ट, वो पहला पार्ट भी देख ले और ये पार्ट भी देख ले, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, अपनी क्वेरीज कमेंट करें। यहाँ से स्टार्ट होगा। आज हम बात करेंगे शिक्षण के चर के बारे में। तो शिक्षण के चर हैं आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मध्यस्थ चर यानी कि इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब आश्रित चर को हम डिटेल में समझेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल, एक विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में एक आश्रित चर के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाना होता है। शिक्षक और शिक्षण प्रक्रिया के प्रयत्नों के फलस्वरूप विद्यार्थी और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो आश्रित चर है, उसमें आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, एक स्टूडेंट को एक टीचर के आश्रित में डिपेंड रहना पड़ता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को उसी तरह की क्रियाएं अथवा व्यवहार करना होगा जिसका आयोजन शिक्षक अथवा शिक्षण क्रियाओं द्वारा समय समय पर निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो आपको टीचर्स बोलेंगे और टीचर्स की जो एक्टिविटीज होगी उसी पे आप लोग को डिपेंड रहना है। दूसरा है स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थियों को आश्रित के रूप में सक्रिय करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है शिक्षण जो है इंडिपेंडेंट होते हैं और विद्यार्थियों को आश्रित के रूप में सक्रिय रखता है तथा सभी प्रकार के मध्यस्थ चरों पर पूरा नियंत्रण रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया का इस प्रकार नियोजन और आयोजन करता है कि शैक्षणिक उद्देश्यों की अच्छी तरह से प्राप्ति हो सके और विद्यार्थियों का अधिक से अधिक हित चिंतन किया जा सके। तो आश्रित चर में आप लोग को याद रखना है कि आपको टीचर के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जो टीचर्स कहेंगे वही स्टूडेंट को करना पड़ता है। और इंडिपेंडेंट में हो गया कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक यानी कि अगर मैं अभी टीच कर रही हूँ तो इसमें मैं स्वयं जो हूँ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रही हूँ, बट जो स्टूडेंट है उनको क्या हो रहा है, स्टूडेंट को आश्रित के रूप में रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे टीचर इंडिपेंडेंट है और स्टूडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे मध्यस्थ चर के बारे में, इंटरवेनिंग वेरिएबल के बारे में। आप लोग को अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोग को क्वेश्चंस कैसे आएगा इसका ये बता दूँ, हो सकता है कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल ना पूछ के ये जो उदाहरण दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया के रूप में आश्रित के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाना होता है, ये कौन से चर में आता है, ऐसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि टीचिंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप लोग को बताना होगा कि ये कौन से चर में आते हैं, आश्रित चर या स्वतंत्र चर या फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इसे अच्छे से समझे तीनों को। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरवेनिंग के बारे में, उससे पहले थोड़ा और दिया हुआ है स्वतंत्र चर के बारे में। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी को शिक्षक द्वारा बनाए हुए मार्ग का अनुसरण करना होता है तथा
शिक्षक को शिक्षण के अनुकूल अपने आप को ढालते रहना पड़ता है। दैट मीन्स जो अभी मैं पहले बताई कि स्टूडेंट को डिपेंडेंट रहना है किस पे, टीचर पे। टीचर जो बताएंगे वही स्टूडेंट को करना है, टीचर जो उनको वे दिखाएंगे उसी वे पे विद्यार्थी को चलना है। और शिक्षक को शिक्षण के अनुकूल, यानी कि अगर मान लीजिए अगर हमारे पास अभी ब्लैक बोर्ड नहीं है और हमारे पास प्रोजेक्टर है, तो हम कैसे प्रोजेक्टर के थ्रू ही आपको पढ़ा सके? अगर प्रोजेक्टर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं है, तो कैसे हम ब्लैक बोर्ड पे या फिर वार्तालाप करके आपको शिक्षण दे सके? तो शिक्षण को शिक्षक के अनुकूल, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसके अनुकूल टीचर्स को अपने आपको उसमें ढालना पड़ता है। मध्यस्थ चर इंटरवेनिंग वेरिएबल है। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी के अतिरिक्त अपनी भूमिका निभाने वाले सभी तत्वों और परिस्थितियों को मध्यस्थ चर कहा जाता है। दैट मीन्स कि जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको छोड़ के जो भी भूमिका है उस परिस्थितियों को मध्यस्थ चर कहा जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं? पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण संस्थान, शिक्षण विधियाँ, तकनीक, मूल्यांकन, शैक्षणिक वातावरण इत्यादि मध्यस्थ चर के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे शिक्षण चर के कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स। तो शिक्षण कार्य को भी तीन भाग में डिवाइड किया गया है। निदानात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक फंक्शंस, उपचारात्मक कार्य, पर्सपेक्टिव फंक्शंस, मूल्यांकन कार्य यानी कि इवेल्युएटिव फंक्शंस। तो पहला है निदानात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक फंक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी के हित चिंतन के लिए निम्नलिखित प्रकार के निदानात्मक कार्य करने होते हैं। तो शिक्षक को विद्यार्थी के लिए कौन कौन से निदानात्मक कार्य करने होते हैं वो अभी बताएंगे। शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के लिए जिन साधनों का उपयोग करना होता है उनका सही तरीके से निदान करने में इस श्रेणी के कार्यों में आता है। पाठ्यवस्तु, अनुदेशन सामग्री, विधि और तकनीक तथा शैक्षणिक वातावरण की उपयुक्तता के जांच का कार्य इसी प्रकार का कार्य है। दूसरा है, जिस विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है उसके प्रविष्टि बिहेवियर यानी कि इंटरिंग बिहेवियर के बारे में जानकारी करनी होती है। अगर किसी स्टूडेंट्स में चेंजेस लाना है तो पहले उनके अंदर के बिहेवियर को हम जानेंगे, एंड देन विद्यार्थी की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक योग्यताओं, क्षमताओं का क्या स्तर है, और शिक्षण आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थी का व्यवहार कैसा है इसके बारे में जाँच करना शिक्षक का पहला प्रमुख कार्य है। तो जब हम डायग्नोस्टिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे विद्यार्थी के, अगर उनके अंदर हमें कोई परिवर्तन लाना है, अगर स्टूडेंट में कोई चेंजिंग लाना है, तो पहले हम उनके स्वभाव को समझेंगे और उसके बाद उनका मानसिक, उनका शारीरिक, उनका इमोशनल, फिजिकल हर चीज़ के बारे में, उनकी क्षमताओं का स्तर क्या, उनका क्षमता कितना है वो सब जानेंगे, एंड देन विद्यार्थी का व्यवहार पहले कैसा था और अगर उसमें कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए हम शिक्षक ही प्रमुख कार्य कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा सेकेंड पार्ट। तो डायग्नोस्टिक सिस्टम में, डायग्नोस्टिक फंक्शंस में ये सब आते हैं। तो कोई भी एक अगर एग्जांपल दे दिया जाए इस तरह का और आपको पूछे कि डायग्नोस्टिक सिस्टम के अंतर्गत कौन सा आता है, तो यही सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तीसरा है, विद्यार्थी के प्रविष्टि व्यवहार और उपलब्ध शैक्षणिक वातावरण एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वह किस तरह के परिवर्तन विद्यार्थी के व्यवहार में लाना चाहता है उनका निर्णय कर विशिष्ट शैक्षणिक उद्देश्यों को निश्चित करना शिक्षक का दूसरा निदानात्मक कार्य है। अगर हमने एक विद्यार्थी के इंटरिंग बिहेवियर को समझ चुके हैं, अब हमें ये उनके वातावरण को भी समझ चुके हैं, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए कैसे और किस तरह से स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस लाना है उसका निर्णय हम सोच समझ के अच्छे से लेंगे, और जो निर्णय लेंगे वही जो है शिक्षक का दूसरा डायग्नोस्टिक फंक्शंस होगा। फोर्थ है, अध्यापक को शिक्षण कार्य में सफलता हेतु स्वयं अपनी योग्यताओं और शक्तियों का भी सही सही निदान करने का कार्य करना पड़ता है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना, अगर हम
खुद में भी शिक्षण कर रहे हैं और शिक्षण में मुझे कोई बदलाव लाना है, कुछ भी करना है, तो हमें अपनी भी योग्यताओं और अपनी भी पावर का हमें ध्यान रखना होगा और इसका सही यूज करना पड़ेगा। ये भी डायग्नोस्टिक फंक्शंस में आते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक सिस्टम के चार एग्जाम्पल दिए हैं निदानात्मक फंक्शंस के, तो इनको अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चंस इस तरह से भी हो सकती है कि डायग्नोस्टिक फंक्शंस के क्या क्या महत्वपूर्ण अंग हैं और पांच छह ऑप्शन में रहे, तीन सही तीन गलत या चार सही दो गलत, तो उसमें से आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना है कि निदानात्मक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उपचारात्मक कार्य के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम प्रिस्क्रिप्टिव कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इस प्रक्रिया के अंतर्गत अग्रलिखित कार्याओं का संपादन करना होता है। तो तीन चीज़ इसमें है। पहले हमने वहाँ पे एक शिक्षण के चढ़ के बारे में बात किए थे, ये सब बात किए थे कि निदानात्मक कार्य, ये तीन चीज़ आप लोग को बताए हैं। तो उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन कार्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब A to Z Fine Art। टेक केयर, बाय।